SN Live सच सबसे आगे। गोपालगंज में अवैध देसी पिस्टल के साथ तीन लोग हुए गिरफ्तार। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाने के पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी लोग कुचायकोट थाना क्षेत्र के उचका गांव के रहने वाले हैं, जिसकी जानकारी प्रशिक्षु डीएसपी सह कुचायकोट थाना अध्यक्ष साक्षी राय ने दी। उन्होंने बताया कि कुछ दिन से गुप्त सूचना मिल रहा था कि उचका गांव निवासी एक व्यक्ति के पास अवैध हथियार रखा है। सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस के द्वारा जब छापेमारी की गई तो कुचायकोट थाना क्षेत्र के उचका गांव निवासी सोनू कुमार, जितेंद्र कुमार और आदर्श कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और इनका दो मोबाइल फोन जब्त किया है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है, जिसके बाद इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर प्रशिक्षु डीएसपी सह कुचायकोट थाना अध्यक्ष साक्षी राय ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। गोपालगंज से एसएन लाइव के लिए रिजवान अहमद की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक व्यक्ति के पास अवैध हथियार है। सूचना के सत्यापन में जब छापेमारी की गई तो एक देसी पिस्टल के साथ दो कारतूस बरामद हुआ है और इस कार्रवाई में तीन लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनके नाम है सोनू कुमार पिता मुन्ना प्रसाद, जितेंद्र कुमार पिता नथुनी कुशवाहा, आदर्श कुमार पिता सचिदानंद प्रजापति। तीनों उचका गांव कुचायकोट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर।